अब बारी इंडिया गठबंधन की भी है। यूपी चुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने खुद इसका ऐलान किया और सोशल मीडिया पर बात पब्लिश कर दी। अखिलेश यादव ने किया कि बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। अखिलेश ने लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़ी जीत के लिए कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। अभी तक हालांकि कयास ये भी थे कि कम से कम इनमें 2 सीटें तो ऐसी होंगी जो कांग्रेस को दी जाएंगी, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि उम्मीदवार भले ही किसी पार्टी का हो लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा। और अखिलेश यादव का सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा ये पोस्ट ही बात साफ करता है। वो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन इतिहास रचेगा उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के। 9 की 9 सीटों पर अब साइकिल का सिंबल होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सीट जरूरी नहीं है, जरूरी है जीत। तो यानी ये इनडायरेक्ट संदेश भी दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सिंबल जीत का परिचायक नहीं। आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का स्टेट में अलग अलग स्टेट में कद लगातार घटता जा रहा है। तो ये बात साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार नहीं होगा। अब राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ मिलकर कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, अब ये देखना होगा। सुनी जरा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सिंबल भी समाजवादी पार्टी का ही होगा और या घटक दल इंडिया गठबंधन के जो घटक दल अगर कोई होंगे उनका होगा और उम्मीदवार भी उनके होंगे। ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे सिंबल पे लड़ने जा रही है। बिना किसी शर्त के हमने समाज के हित में एक सकारात्मक मजबूत राजनीति के चलते हुए माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार और जिस भावनाओं के चलते हुए पिछले दिनों 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा इस देश को जोड़ने और लोगों के बीच एक प्रेम का संदेश देने का जो त्याग तपस्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने की वो सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं उन्होंने कर दिखलाई। और आज इस निर्णय के साथ मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रही है। तो अविनाश पांडे को आपने सुना जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया जिसमें अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि हमने ठाना है संविधान बचाना है, आरक्षण और सौहार्द बचाना है। ये तस्वीर जरा देखिए, दोनों नेताओं ने अपना हाथ पकड़ा हुआ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और कहा कि हमने ठाना है कि संविधान बचाना है, आपसी सौहार्द बचाना है। इस कैप्शन के साथ में अखिलेश यादव ने तस्वीर पोस्ट की है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक कद को अब काफी कम भी आंका जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके कि 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 9 की 9 सीटों पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं होगा, एक भी प्रत्याशी नहीं होगा। दलील दी जा रही है कि आपसी सौहार्द से फैसला हुआ है, जबकि अब से कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस दावा ठोकती थी कि सीटों के बंटवारे पर लगातार चर्चा हो रही है। उस चर्चा में अखिलेश यादव विजयी हुए या फिर कांग्रेस ने सरेंडर किया, ये बात अभी तय नहीं है, ये बात अभी साफ नहीं है, आने वाले वक्त में यह भी साफ होगा। लेकिन अखिलेश को यकीन है कि कांग्रेस का प्रत्याशी भले ही ना हो लेकिन कांग्रेस का काडर जरूर उनके साथ खड़ा होगा। ये अखिलेश यादव और संभवतः राहुल गांधी भी ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये जैसी पॉलिटिकल मिस्ट्री सामने आती है कि अखिलेश यादव ही चुनावी मैदान में होंगे, राहुल गांधी की पार्टी से कोई नहीं होगा, तो बीजेपी ने तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और लिखा कि हाथ का पंजा खाली रहे। बीजेपी ने कहा कि अब कांग्रेस हाथ मलती रह गई। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दांव दे दिया। बीजेपी ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब खंड खंड हो रहा है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे।
अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दिल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। जीनी।